स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज भी अपन पिछली वीडियो की तरह आज भी अपन वस्त्र आदि ठाकुर जी के कुछ सीखेंगे। तो आज अपन वस्त्र बनाना नहीं सीखेंगे, आज अपन ठाड़े स्वरूप जो मदन मोहन लाल आदि जो ठाड़े स्वरूप होते हैं उनके अपन उष्ण काल में जो आप पिछोरा परदनी आड़बंध धोती आप कैसे धरते हैं आज अपन वही सीखेंगे। तो चलते हैं और सीखते हैं। अपन सबसे पहले धोती उपरना धराना सीखेंगे। वैसे तो अपन पांचों वस्तु सीखेंगे, सूथन पटका, पिछोरा, आड़बंध, परदनी और धोती उपरना। तो सबसे पहले अपन धोती उपरना धराना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये लगाव की गोली यहाँ पे चिपका लेनी है, क्योंकि अपन जैसे अपन धोती पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी धरेंगे। इसलिए अपन यहाँ पे तो गांठ नहीं लगा सकते, अपन गांठ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे यूँ लगाव से यूँ चौंटा लेंगे। फिर इसको, और ये जो भाग होगा वो मतलब खाली नीचे तक छिपना चाहिए, इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको यहाँ चरण के बीच में से लेके पीछे ले जाके इसमें ऐसे ऐसे लांग बनानी होती है जैसे अपन देते जैसे अपन धोती में पहनते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पीछे ऐसे अंदर डाल देना है। जो अच्छा दूसरा एक बार निकल के दिखाई दे। ये अपन ने लांग बनाई। उसके बाद यहाँ से पहले थोड़ा ढीला छोड़ के इसको अंदर डाल देना है। फिर इसको फिर ये जो हिस्सा होगा इसको यहाँ पे लगाव से फिर दोबारा से चिपका देना। फिर अपन को यहाँ पे भी ऐसे ही लांग करनी है, जैसे अपन छोर बनाते हैं वैसे। थोड़ी सी बड़ी है, अपन थोड़ी सी छोटी। फिर यहाँ से लांग बनानी है, ये थोड़ी बड़ी है इसलिए यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ये हो जाएगा। फिर पहले एक डोरा से फिर यों करके यों बांध देना, उसके बाद फिर कटी पे जाएगा। अब इसके ऊपर फिर कटे पे जा जाते हैं। तो ध्यान वो धनिया नहीं होता हाँ, और जब धोती पर धोती और परदनी धरते हैं तब ठाकुर जी तनिया नहीं धरते। फिर सेन में जब श्रृंगार वाड़े होते हैं तब तनिया धरते हैं, और फिर ऊपर ना आ जाता है। परदनी धराना सीखेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले ऐसे लगाव लगाना है यहाँ पे, फिर इसको भी यहाँ से चौटाना है, फिर ऐसे नीचे से जैसे अपन ने धोती में करा था बिल्कुल वैसे। हाँ, ये तो जल विहार। आगे से, और परदनी धोती से थोड़ी छोटी होती है, वो खाली घुटने तक आती है और धोती पूरी नीचे तक आती है। फिर इसमें खाली ये वाली लांग करनी है अपन को, वो जो अपन ने धोती में यहाँ से करी थी वो नहीं करनी है। फिर ऐसे ही डोरा से
इसको ऊपर करते हैं। तो ये डार्कनेस में ये जो है वो आपके जानवर जो घुटने हैं उनसे ऊपर ही धरते हैं और धोती चरण चरणों तक नीचे तक धरते हैं। तो अपन सूथन पटका धरना सीखेंगे। तो सूथन तो इसमें तनिया धरते हैं, खाली परदनी और धोती में तनिया नहीं धरते, मतलब जिसमें नीचे से लांग जाती है उसमें तनिया नहीं धरते हैं। तो अपन सूथन धरना सीखेंगे, सूथन पटका। तो सूथन तो ऐसे ही आ जाता, इसको नीचे से अपन लगाव से छोटा सकते या डोरा भी लगा सकते। और ये पटका, पटका में जिस तरफ सामनी जी विराजते हैं उस तरफ का छोटा भाग होता है, और जैसे कि तो अब इस तरफ सामने जी विराजते हैं तो इस तरफ बाएं तरफ इस तरफ का छोटा भाग होता है और दूसरी तरफ का बड़ा भाग होता है। और फिर इसको भी डोरा से कस, उष्णकाल के सभी वस्त्र में डोरा आता है, पहले डोरा से ज्यादा अच्छी तरह कस जाए, इसलिए डोरा को पहले करते हैं फिर ऊपर से करते हैं। तो आर्बन चलाने सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन को यहाँ पे ऐसे जैसे अपन छोर में करते हैं ऐसा करना, छोर सा बना लेना या फिर कली भी बना सकते हैं। इसको भी डोरा से कसना है। तो पिछोरा जो है वो मंगला में भी धरते हैं और फिर श्रृंगार में भी धरते हैं। तो मंगला में तो खाली ऐसे यूँ लपेट के आ जाता है, यूँ करके ऐसे, ये मंगला में ऐसे आता है, इसमें कट्ठी पेच और वो कुछ नहीं धरते। और जब श्रृंगार में धरते हैं उसमें अपन सबसे पहले यहाँ पे ऐसे छोर बनाते हैं, दोनों तरफ ये जो हिस्सा है इसको अपन को यूं नीचे ले लेना है और ये वाले हिस्सा को भी नीचे ले लेना, फिर ये पीछे का हिस्सा यूं खींच के इसको यूं, फिर डोरा से। तो ऐसे ये पिछोरा है और ये आड़बंद है, ये धोती है थोड़ी इतनी बड़ी हो, सूतन ऐसे है, और ये है पटका भी एक भी बनाया हो तो, और जो अपने परदनी जो धरी थी वो भी एक ही धरी थी। तो परदनी ऐसी पतली लंबी हो क्योंकि आप जानू तक मतलब घुटनों तक आप प्रभु धरें, क्या लिए छोटी होए, और धोती लंबी होए क्योंकि आप चरणन तक धरे हैं यूँ।
और सूतन पटका में भी यही को अभी पटका बनाया होता हूँ। और तो ये ऐसे वस्त्र ऐसे हों जैसे स्वरूप हैं, थोड़े बड़े हों तो ऐसा से आप बड़े सिद्ध कर सको, और फिर अच्छे से इनमें सिलाई करके जैसे बात सिखाई थी आप पिछली वीडियो में बात तरीके से आप गोट की सिलाई कर सको हो। तो आज अपन ने सीखे सबसे पहले धोती सीखी, फिर परदनी कैसे धरें। तो परदनी धोती में आप तनिया नहीं धरें, क्योंकि ऐसा कह जाए दो लांग दो लांग नहीं धरे हैं। तो तनिया में जैसे पीछे जो जावे लांग जैसे, तो ऐसे ही फिर धोती और परदनी में भी जावे, तो दो लांग शास्त्र में कहे कि दो लांग नहीं पहननी चाहिए। क्या लिए जब धोती और परदनी धरें तो वास्तव में तनिया नहीं धरे हैं। और आके बाद पिछोरा अपन ने सीखे हो, पिछोरा अंतिम में, और आड़बंद है और सूतन पटका है। तो ये उष्णकाल में ये श्रृंगार आप धरे हैं ठाड़े स्वरूप के, ऐसे श्रृंगार ऐसे वस्त्र आप धरे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।